हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल सी द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। दो तरीके से हम देखेंगे इसको, दो फॉर्मूलेज हैं। देखो, एक बात तो नोट कर लो कि अगर लेंथ की बात करते हैं तो पैराबोला कोई भी हो, लेंथ का फार्मूला एज इट इज चलता है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला है, तो इसमें आपको फोकल कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। ठीक है, ये है आपका y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला। तो ये फोकस हो जाएगा a कॉमा 0, और ये आपका बन गया फोकल कॉर्ड। तो p के कोऑर्डिनेट आपको पता है at स्क्वायर कॉमा 2at, करेक्ट। और q के कोऑर्डिनेट भी निकल जाते हैं, फोकल कॉर्ड है तो q के कोऑर्डिनेट निकालना है, तो t को माइनस वन बाई टी से रिप्लेस करना है। माइनस वन बाई टी से रिप्लेस करेंगे तो ये a बाई टी स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 2a बाई टी हो जाएगा। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है, लेकिन अब आपको पी क्यू निकालना है। तो पी क्यू निकालने के टाइम पे आप जो फोकल डिस्टेंस होता है उसका कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, करेक्ट है। फोकल डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, ये हो जाएगा पीएम और ये हो जाएगा पीएन, इसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। तो आपके पास में जो पी क्यू है वो ऐसा है पी एस प्लस एस क्यू, करेक्ट, पी एस प्लस एस क्यू। लेकिन पी एस जो है वो पी एम के बराबर हो जाएगा, पी एम, और ये एन क्यू के बराबर हो जाएगा। जो पी एस है पैराबोला की डेफिनेशन है ना, तो पैराबोला की डेफिनेशन से पी एस जो है वो पी एम के बराबर हो जाएगा, और एस क्यू जो है वो एन क्यू के बराबर हो जाएगा। तो देखो, ये वाला डिस्टेंस तो हमेशा ये होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक के ए होता है, यहाँ से यहाँ तक के ए होता है। ये पहले भी आपको मालूम है, फोकल डिस्टेंस का जो फार्मूला है वो ऑलरेडी आपको पहले से पता है। तो ये हो जाएगा ए प्लस ए टी का स्क्वायर, क्या, पी एम, और एन क्यू हो जाएगा ए प्लस ए बाई टी का स्क्वायर। देखो यहाँ पे ये ए बाई टी स्क्वायर है एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ ए टी स्क्वायर है एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब ये वाला डिस्टेंस आपका ए टी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा ए प्लस ए टी स्क्वायर। सेम यहाँ पे ये a है, और यहाँ से लेके यहाँ तक के a बाई टी स्क्वायर है, तो a प्लस ए बाई टी स्क्वायर। तो यहाँ सब में से हमने a कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा 2 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, a इंटू टी प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला बन जाएगा लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड का, करेक्ट है क्या, फाइन। तो a इंटू टी प्लस 1 बाई टू 1 बाई टी का स्क्वायर, ये बन गया आपका लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। अब ये कोई भी पैराबोला हो, कोई भी पैरा, चलो एक काम कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay पैराबोला में भी चेक कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay पैराबोला इस प्रकार का होगा, ठीक है। ये बनेगा वाई इज इक्वल टू माइनस ए डायरेक्ट्रिक्स, करेक्ट। ये है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay पैराबोला, ये आपका P और ये आपका Q, ये 0 कॉमा A से, फाइन। तो P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, P के कोऑर्डिनेट होंगे इस बार हो जाएंगे 2AT कॉमा AT स्क्वायर। देखो इस बार Y कोऑर्डिनेट AT स्क्वायर रहेगा, और Q के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, Q के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, T को रिप्लेस करना है, माइनस 2A बाई टी और AT A बाई टी स्क्वायर, A बाई टी स्क्वायर। अब आपको पी एस और एस क्यू ये निकालना है, ठीक है। तो पी एस पी क्यू के बराबर हो जाएगा पी एस प्लस एस क्यू, लेकिन पी एस निकालना है मतलब आपको पी एम निकालना है, एस क्यू निकालना है मतलब आपको क्यू एन निकालना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा पी एम, और यहाँ क्या आ जाएगा क्यू एन, क्यों, क्योंकि पैराबोला का डेफिनेशन होता है ना पी एस इक्वल टू पी एम, मतलब कोई भी पॉइंट पैराबोला के ऊपर लाई करता है तो वो इक्वी डिस्टेंस होता है फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से। तो इसीलिए पैराबोला में हम कभी भी डिस्टेंस फार्मूला नहीं लगाते पी एस निकालने के लिए, बल्कि हम पी एम निकाल लेते हैं, वो बहुत आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ पी एम निकालेंगे, तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस ये तो ए है, और ये वाला डिस्टेंस इस बार पी का वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट पी का क्या है ए टी स्क्वायर, तो ये ए प्लस ए टी स्क्वायर। और यहाँ पे फिर से ये डिस्टेंस तो ए ही है,
और यहाँ का वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है, ए बाई टी स्क्वायर, तो सेम चीज तो आ गई, सेम चीज आ गई टी प्लस वन बाई टी का होल स्क्वायर। तो चाहे पैराबोला कोई भी हो, फोकल कॉर्ड का जो लेंथ होगा वो ए इंटू टी प्लस वन बाई टी का होल स्क्वायर से ही मिलेगा। अब क्वेश्चन आता है कि इसको हम और दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, दूसरा भी फार्मूला इसका है, वो फार्मूला कैसा है कि आपके पास में ये पैराबोला है, ठीक है, और ये फोकल कॉर्ड है, ये ए कॉमा जीरो, ये पी और ये क्यू, पी के कोऑर्डिनेट ए टी स्क्वायर कॉमा टू ए टी आदि होना चाहिए, क्यू के कोऑर्डिनेट ए बाई टी स्क्वायर माइनस टू ए बाई टी, ठीक, ये एस है। अब मुझे ये एंगल थीटा इसके टर्म्स में फार्मूला फाइंड आउट करना है, इसके टर्म्स में फाइंड आउट करूँगा तो मुझे टेन थीटा पहले निकालना पड़ेगा, टेन थीटा क्या होगा, स्लोप हो जाएगा टू ए टी माइनस जीरो डिवाइडेड बाई ए टी स्क्वायर माइनस ए, ए टी स्क्वायर माइनस ए, ये हो जाएगा टू टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, टू डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर माइनस वन बाई टी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा टू अपॉन टी माइनस वन अपॉन टी, ये बन गया टेन थीटा। अब नोट करना हमारे पास में जो लेंथ है, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड का अभी फार्मूला हमने डिवाइड बनाया था तो वो बना था ए इंटू टी प्लस वन बाई टी का स्क्वायर, तो टी प्लस वन बाई टी इसके टर्म्स में अगर थीटा मिल जाए तो बात ओके हो जाए, टी प्लस वन बाई टी, यहाँ पे टी माइनस वन बाई टी के फॉर्म में थीटा है, करेक्ट है, तो यहाँ हमको कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी पड़ेगी। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, देखो ये है थीटा और टेन थीटा अपोजिट में टू आ जाएगा, यहाँ टी माइनस वन बाई टी आ जाएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो ये टी प्लस वन बाई टी आ जाएगा, ठीक है, ये टी प्लस वन बाई टी आ गया तो इसका मतलब हम साइन थीटा यूज कर सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू टू अपॉन टी प्लस वन बाई टी, तो टी प्लस वन बाई टी को मैं टू कोसेक थीटा से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो फाइनली आप ये चीज फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे, देखो कि आपके पास में फोकल कॉर्ड की लेंथ जो है वो है ए इंटू टी प्लस वन बाई टी का स्क्वायर, ठीक है, ए टी प्लस वन बाई टी को लिख सकते हैं आप टू कोसेक थीटा का स्क्वायर, फाइनली ये होगा फोर ए कोसेक स्क्वायर थीटा, दैट्स इट। तो ये दूसरा फार्मूला है, फोर ए इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये ए इंटू टी प्लस वन बाई टी का होल स्क्वायर, ये पहला फार्मूला है। दोनों तरीके से आप लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड निकाल सकते हैं, और लेंथ है इसलिए कोई भी पैराबोला हो, चाहे एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई हो, चाहे वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स हो, चाहे माइनस वाले पैराबोला हो, सब में यही फार्मूला काम करेगा।